मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनुपमाज़ किचन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ तिल गुड़ की दो अमेजिंग सी रेसिपी। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आप कोई भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपके इतना अमेजिंग सा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 मिनट में मिक्सी के जार में हमने बना के रेडी किया है, मिनिमम से 3 इंग्रेडिएंट के साथ फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ मैं 2 रेसिपी शेयर करूँगी तिल गुड़ की, तो बने रहिएगा चैनल पर। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 कटोरी मैंने तेल लिया है। जितना कम ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उतना आप ले सकते हो, बस मेजरमेंट यही होना चाहिए कि जितना आप तिल लोगे उतने गुड़ लेने हैं। तो तिल हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से भरपूर, गुणों की खान है तिल। सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट देता है। शरीर में जितने भी जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, जो भी बीमारी हो सभी बीमारियों में राहत देता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट होते हैं तिल के। तो सर्दियों में बच्चे बड़े बूढ़े सभी को तिल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो तिल को लड्डू की फॉर्म में या फिर बर्फ़ी की फॉर्म में कैसे भी आप खा सकते हो। इससे पहले भी मैंने तिल गुड़ की एक पाक शेयर किया हुआ है बर्फ़ी, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो गुणों से भरपूर तिल गुड़ की आज ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं 2 रेसिपी शेयर करूँगी। तो कहीं जाइएगा मत, मैं दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों ही 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो ये देखिए तिल हमारे अच्छे से भुन के रेडी हैं। एक प्लेट में निकाल देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो तिल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे, मिक्सी का जार, और उसमें सारे तिल ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको ना हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा हमें इन्हें पेस्ट नहीं बनाना है। और अब यहाँ मैंने ले लिया है गुड़। जितना हमने तिल लिया था उतना ही हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। लगभग 150 ग्राम के आसपास तिल होंगे और उतने ही हमने यहाँ पे गुड़ लिया है। तो उसको ना चाकू से इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे, ताकि ये हम मिक्सी के जार में जब इसको डालेंगे ना तो पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये वाली कटोरी ही मैंने तिल ली थी और उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। और ये देखिए तिल हम हल्के से दरदरे हो गए हैं। अब हम इसमें ये डाल देंगे गुड़। और अब हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये है देसी घी। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। इसकी वजह से ना हमारे लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बाइंडिंग में भी हेल्प करता है। वरना आप तिल में अपना ही काफ़ी सारा ऑयल होता है, तो इसके बिना भी आप कर सकते हो। तो मिक्सी के जार को पल्स पे करके 3 से 4 बार हम ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा लड्डू का बैटर बनके हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए मिक्सी के जार में ज़रा सा चिपकता भी नहीं है, बहुत ही आसानी से ये हमारा मिक्सचर बनके हो जाता है रेडी। तो सारे मिक्सचर को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ देखिए 2 बड़े चम्मच हमने ना तिल बचा लिए थे साबुत, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ ये लिया है मैंने हरी इलायची का पाउडर। मैं अक्सर हरी इलायची को पीस के एक जार में भर के रखती हूँ। जब भी मुझे कोई स्वीट डिश बनानी होती है तो मैं फटाफट से उठा के उसको डाल लेती हूँ। तो ये देखिए हाथों को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, ताकि बैटर हमारे हाथों में कम से कम चिपके। तो अच्छे से सारे तिल को ना इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इलायची को और तिल को। और ये हमारा बैटर हो गया है लड्डू बनाने के लिए रेडी। छोटा छोटा पोर्शन हाथ में उठाएंगे और हाथों के बीच में ना इस तरह से एक लड्डू की शेप दे देंगे प्रेस करते हुए। तो ये देखिए लड्डू बनके हो गया है हमारा तैयार। तो देखा आपने कितना इजी है, सिर्फ 2 मिनट में तिल गुड़ का लड्डू बनके हो जाता है तैयार। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट तो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो लेकिन उसको डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कितने अमेजिंग से हमारे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। और इतने नरम और मुलायम होते हैं ये लड्डू के मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट में अपने लड्डुओं को निकाल लिया है। आप ये लड्डू सर्दियों में अपने घर में ज़रूर बनाइए। बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आयरन, कैल्शियम से भरपूर तिल गुड़ के लड्डू हो गए हैं तैयार। तो कहाँ चले फ्रेंड्स, अभी एक रेसिपी और बाकी है, तो जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे चैनल पर और वीडियो को पूरा देखना। अभी एक अमेजिंग सी रेसिपी और शेयर करने वाली हूँ मैं, तिल गुड़ की। तो देखा कितना इजी है इन लड्डुओं को बनाना, और मैं आपको ना तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने नरम मुलायम बने हैं। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ, तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि माउथ मेल्टिंग हमारे ये लड्डू हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो दूसरी रेसिपी के लिए भी हमने तिल ऐसे ही भून के ले लिए थे, ठंडे हो गए हैं और उनको हमने जार में डाल लिया है। इनको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। तो ये देखिए हल्का ग्राइंड हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई शक्कर। तो ये चेकरी पाउडर होता है, इसको शक्कर बोलते हैं। जितने तिल थे उतनी ही हमने शक्कर ली है और मिक्सी के जार में इनको अच्छे से चंक्स कर लिया है और बर्तन में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हो गया है हमारा तिलकुट्टा तैयार, जो हमारा मकर संक्रांति या तिल का जो व्रत होता है ना, सकट तिल का, सकट चौथ, गणेश चतुर्थी का, उस पे हम इसको बनाते हैं। हमारे यहाँ इसको तिलकुट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।